ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है एनओएस और बच्चों के बारे में। तीन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जो बच्चे हो रहे हैं बहुत ज्यादा परेशान, उससे गाड़ी मैंने वीडियो बनाई है। ध्यान से इधर क्या है क्या नहीं हमारा एनआईओएस भाई, बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला टॉपिक, पहली जो न्यूज दिख रही है मुझे, सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं परेशान। कौन सी न्यूज है हमारी? वो कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्जाम सर बियॉन्ड टाइम पर होंगे, या फिर हमें कर दिया जाएगा प्रमोट, या फिर हमारे एग्जाम्स क्या हो जाएंगे कैंसिल। इन तीन टॉपिक पर, ये जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है, इन तीन बातों पर मैं बात करूंगा आपको। मैं दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर जिन बच्चों का रिजल्ट आया था ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट का, ठीक है, उनको अभी कल मार्कशीट नहीं मिल पा रही। बच्चे स्टडी सेंटर जा रहे हैं, वो मनमानी कर रहे हैं, बोल रहे कि नहीं हमारे पास नहीं है, क्या करना है, पैसे दो, ये सब चीजें बात करने वालों में। तीसरा और लास्ट टॉपिक जो होने वाला है उसमें ये है कि आप सबको बताना चाहता हूं कि होल टिकट के बारे में बातें। अब जो ये होल टिकट है सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर एग्जाम बियॉन्ड टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं तो होल टिकट कब कर आएगी, थोड़ी सी अपडेट आई है वो मैं बताने जा रहा हूं आपके सामने। तो करना ही आपको पूरी वीडियो देखनी है, जिससे कि आपके अगर इन तीन पॉइंट में डाउट है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिससे कि आप सबके सारे डाउट क्लियर हो पाए। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल में प्रेस करना, क्योंकि आप सबको अपडेट देना बहुत जरूरी है। कोई भी न्यूज होती है मैं अपडेट रखता हूँ आपके सामने, और चाहे एनआईएस बच्चे हो या सीबीएसई बच्चे हो, दोनों को ही मैं न्यूज जो होती है उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। साथ साथ क्या चैप्टर चल रही है, मैथ्स मैथोनोमी चल रही है, उसको भी आपको देखना है। 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 13वां चैप्टर आज आ रहा है, उससे रेडी हो जाइए। मेरा टारगेट ये जल्दी से जल्दी आपकी मैथ्स मैथोनोमी चल रही है वो कंप्लीट हो पाए। और इसमें क्या हमारे ये तीन टॉपिक के लिए आपको पूरी देखनी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है क्या नहीं हमारा। वैसे पहली जो बात कर रहे हैं, पहली बात ये हो रही है कि फर्स्ट नाम हमारा जो दिया हुआ है एग्जाम प्रमोट कैंसिल, मतलब ये कि आपके एग्जाम होंगे या नहीं। मैं आपको बोलूं जैन फेब में आपके एग्जाम की डेट शीट आई हुई है, सही है नहीं? सबसे पहले जो अपडेट आई थी डेट से कब आएगी कब नहीं आएगी, वो डेट से अनाउंस सबसे पहले इस चैनल पे हुई थी। आप चाहे टाइमिंग मैच चल लेना, जैन फेब में आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब क्या हुआ, परसों जो है हमारे एचआरडी मिनिस्टर जी लाइव आए थे। कितने बजे आए थे? 4 बजे लाइव आए थे। मैं बिजी था, वीडियो बना नहीं पाया आप सबके लिए, वरना मैं अपडेट दे देता आपको। 4 बजे आए थे और उन्होंने बोला था कि एग्जाम्स तो होंगे लेकिन जैन फेब में एग्जाम नहीं होंगे। जब बच्चों ने ये लाइन सुनी तो बच्चों के दिमाग में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था कि सर क्या हमारे एनआईएस बच्चों के भी एग्जाम्स नहीं होंगे जैन फेब में। मैं आपको बोल रहा हूं उन्होंने बोला था सीबीएसई वाले बच्चों के एग्जाम्स नहीं होंगे जैन फेब में। सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनके एग्जाम्स नहीं होने वाले कब? जैन और फेब में। आप मुझे बताओ आपके जो एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई वाले बच्चों के, वो नॉर्मली फेब की मिड में और मार्च में स्टार्ट होते हैं, तो उन्होंने बोल दिया जैन फेब में नहीं होंगे, यानी मतलब ये है कि मार्च में होंगे या अप्रैल में होंगे ऊपर स्टार्ट होंगे। लेकिन एनआईएस बच्चे जो है ना वो बोल रहे हैं कि सर हमारे जैन फेब में जो एग्जाम्स होने वाले वो होंगे नहीं होंगे, क्या कैंसिल हुए ना या हमें प्रमोट कर जाएगा। देखो आप सबको मैं बोल रही हूँ एक बात, सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैन फेब में जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2019 वाले, जो आपके अक्टूबर में एग्जाम्स होने वाले थे, जो आपके अक्टूबर में एग्जाम्स होने वाले थे पब्लिक एग्जाम्स, वो कब हुए हमारे, कब हो रहे हैं? जैन फेब में हो रहे हैं 2021 में। तो अब डेट आगे एक्सटेंड नहीं होने वाली, फायर आनी बिल्कुल भी। अब कोई बच्चे बोलते हैं सर हमें प्रमोट, नहीं प्रमोट भी नहीं करने वाले वो लोग। आपको एक कड़वी और सच्ची बात बता रहा हूं मैं, जो बच्चे बोल रहे हैं प्रमोट होने वाले हैं नहीं होने वाले प्रमोट, कोई बंदा तो फेक न्यूज या कुछ भी बोल रहा है कि नहीं सर हम प्रमोट होंगे प्रमोट, मैसेज कमेंट करोगे आप बोलोगे कि सर सब तो प्रमोट करो, नहीं प्रमोट नहीं होने वाले आप सब। कड़वी और सच्ची बात मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो जैन फेब में पास होना। तो पढ़ने स्टार्ट तो नहीं पढ़ने स्टार्ट किया, मैथ्स मैथोनोमी चल रही है, 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 13वां चैप्टर आज डलने वाला है। मैथ्स क्लास 10 की मैंने जिम्मेदारी ली हुई है। बच्चे बोल रहे कि सर साइंस और अदर सब्जेक्ट जो है उस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो।
वो आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक आपको मिलने वाले हैं। ज्यादा बड़ी टीम नहीं है, छोटी टीम है, तो उसमें हम लगे रहते हैं, खुद ही हम वीडियो एडिट करते हैं, खुद ही हम बनाते हैं, क्योंकि सब कुछ करते हैं, इसलिए मेरी वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आपको मैं इच्छी बोलूं, यहाँ पर डेली न्यूज की वीडियो नहीं डालने वाली, यहाँ पर जेन्युइन जब भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक या कोई न्यूज आएगी अपडेट, जब ही वीडियो आएगी। मैंने बता दिया आपको कि जैन फैब में आपके एग्जाम होने वाले बियॉन्ड टाइम पर होंगे, ना तो डिले ना तो लेट, कुछ नहीं, सेम टाइम जो डेट सीट आई है उसके हिसाब से ही होंगे। जब मैं डेट से अनाउंस करी तो कुछ बंदों ने कमेंट करके बोला था कि सर आपको कैसे बता, आपके रिश्तेदार हैं एनएस वाले, या आपको कैसे मिल गया, किसी ने यूट्यूबर ने बताया नहीं, आप कैसे बता रहे हो सर, किस बिहाफ से बता रहे हो, अभी एनएस ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी तो आपने कैसे बता दिया। या मेरे पास कुछ ऐसी न्यूज मिल जाती है जिससे बिहाफ पर मैं आपको उससे पहले अपडेट देता हूँ, जैसे रीजनल सेंटर जाता है वहां से हमें न्यूज मिली थी तो मैंने बता दिया आपको। अब मुझे से अपडेट ये मिल रही है कि जैन फैब में ही एग्जाम्स होंगे बियॉन्ड टाइम, ना डिले, कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको पढ़ने स्टार्ट करना है, जिन बच्चों पढ़ने स्टार्ट किया पढ़ लो बैठकर, क्योंकि अगर आप चाहते हो जैन फैब में पास होना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात पे चलते हैं, दूसरी बात हमारी क्या है, मार्कशीट। अब बच्चे ये बोल रहे हैं ना, जिनका रिजल्ट आया ऑन डिमांड वाले बच्चों का, तो वो बोल रहे हैं कि सर स्टडी सेंटर कर रहे हैं मनमानी, स्टडी सेंटर बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है मार्कशीट, आप जाओ हेडक्वार्टर वहां जाओ, रीजनल सेंटर जाओ, ये जाओ वहां जाओ, कुछ स्टडी सेंटर कह रहे हैं कि मार्कशीट के पैसे पे करो। अब यार ये क्या सेंस है, आपको बता दूं मार्कशीट आपका हक है, फ्री में मिलती है मार्कशीट आपको, ठीक है, कहां से मिलेगी, स्टडी सेंटर से मिलेगी। अगर वो लोग कर रहे हैं बहुत जय मनमानी तो कहीं मत जाओ, सीधा आप रीजनल सेंटर जाकर वहां से भी कलेक्ट आप कर सकते हो। लेकिन स्टडी सेंटर में आ चुकी है, वहां पर पूरा फोकस करो और वहीं पर ही आपको मिलने वाली क्या मार्कशीट, तो बी आर रेडी, आप स्टडी सेंटर जाओ वहां से कलेक्ट कर लो क्या अपनी मार्कशीट, ठीक है, क्लियर हो गया। ऑन डिमांड में बच्चों को बता दिया मैंने, मार्कशीट आप कहां से मिल रही है, स्टडी सेंटर से ही मिलेगी, जो आप तो बोल रहे हैं हेडक्वार्टर जाओ ये सब जाओ, फायदा नहीं है, स्टडी सेंटर में ही ट्राई करो, हाथ पैर जोड़ो, बोलो कि सर हमारा हक है, सर हमें दो, सर आप हमने भी एग्जाम क्लियर किया है, सर हमारे तो रिजल्ट आ गया, अप टू डेट सर कब दोगे सर आप। एक बच्चा ये बोल रहा था, रात को मैसेज आया था, बोल रहा था कि सर वो है, वो बोल रहे हैं कि साइन इन करना पड़ेगा, सर्विस में खाना पड़ेगा, वो लॉगिन करके खानी पड़ेगी, सर स्क्रीनशॉट सेंड करना पड़ेगा। मैंने बोला बताया उनको कि ये सब एक्सक्यूज है, कोई फायदा नहीं है, सीधा स्टडी सेंटर जाओ और बोलो उनको कि सर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम आपको, ये लो आईडी, ये रही एनरोलमेंट नंबर, ये रहा पासवर्ड, ये रहा, आप निकालते रहो, हमें कुछ भी आपको चाहिए यहाँ से ले लो, आप पीसी तो हो रहा है उनके पास, क्यों नहीं हो रहा, उसमें चेक कर लीजिए अपने आप। तो लेकिन आपको बोलो वो आपका हक है, आपको मिलनी चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़ा मेन टॉपिक, जो आज का सबसे बड़ा मेन टॉपिक कौन सा है हमारा, होल टिकट, कब आएगी कब नहीं आएगी। बच्चे बोले कि सर आप डेट बताइए, सर बढ़िया सी डेट बताइए, थोड़ा सा डिले उससे नहीं, मैं जनवरी सी डेट बता रहा हूँ आपको, मैं ध्यान सुनना, मैंने ही बोला था दिसंबर की एंड में और जैन के फर्स्ट वीक में, ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा 10 जनवरी से पहले पहले आ जाएगी, 10 जनवरी से पहले पहले आ जाएगी, पक्का श्योरिटी है। अगर ये आपको लगता है कि नहीं आएगी तो चैनल अनसब्सक्राइब कर लेना आप लोग, क्योंकि मुझे कहीं से न्यूज मिली है इसलिए मैंने बताई है। जब जब मैंने इस चैनल पे न्यूज बताई है तो वो सारी बातें क्या हुई है, सच्ची हुई है, तो इसलिए आप मुझ पर थोड़ा सा बिलीव करते हैं, तो बता दिया मैंने आपको 10 जन तक आ जाएगी, उससे पहले ही आ जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कीजिए आ जाएगी, बट इस पे फोकस मत करो इतना, आपको फोकस पे करना है पढ़ाई पर, पढ़ते रहो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं हर बच्चा, इतने बच्चे जुड़े हुए मेरे साथ जैन फैब में, जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं वो सारे बच्चे एकदम क्लियर हो पाए और एकदम अच्छे मार्क्स से पास होने चाहिए, तो यही फायदा है। जो मैथ्स मैथन में आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा है कि बहुत से बंदे ऐसे हैं जो परचेज करवा रहे हैं, प्रैक्टिस फाइल्स भी मैंने प्रोवाइड करी है, आपको पता ही हो रहा, जिन बच्चों को पता है प्रैक्टिकल फाइल्स आपको चाहिए करना कि आपको सीधा आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, लिंक कहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल फाइल्स, मैंने वहां पर डाल चुका हूँ, मैं आपको देख लो वहां पर आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज कुछ भी होती है ना, कमेंट करके डाउट्स दूर करना, और प्रैक्टिकल फाइल्स मेरी साइड से फ्री मिल रही है, जो मैंने बताया था आपको कि 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, उसका मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटा गिफ्ट दिया है, और न्यू ईयर पे ब्लास्ट करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है आप सबके लिए, तो उसके लिए आप सब थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया आप सबके जो जैन फैब में एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत बढ़िया अपडेट लेके आऊंगा मैं। करना कि आपको फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करो ना, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे क्या है कि वीडियो की अपडेट आपको मिलकर रहे। और मैं ये चाहता हूँ ये 3 न्यूज जो थी ना,
हर बच्चे के दिमाग में डाउट था। तो मैं ये चाहता हूँ ना, ये जो वीडियो है ना, फैला दो, बता दो हर बच्चों को। तो करना क्या आपको, हर टेन ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करनी है, जिससे ये बच्चों की हेल्प हो पाए। बस यही था, ये तीन टॉपिक थे। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो जो बनने वाली है वो उसके ऊपर ही बनने वाली है। तो जो भी कमेंट आएंगे, जो भी आप डाउट्स हैं कमेंट करो, जो भी डाउट्स हैं उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। तो करना क्या है, छोटे चैनल है लेकिन मैं चाहता हूँ उस चैनल को बड़ा आप बनाओगे, आपका प्यार चाहिए मुझे। तो करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और वीडियो पसंद है लाइक करो। लगता है आपको वीडियो की ये जो न्यूज़ बताई है आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करना तो बनता है ना। Thank you so much for watching video. If you have any doubts, just comment below or don't forget like, share, subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye. Shabba Khair.